हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किचन एंड क्राफ्ट कॉर्नर। आज हम बनाने जा रहे हैं आटे के पेड़े, तो चलिए उसकी रेसिपी शुरू करते हैं। यह हमने आधी कटोरी काजू और आधी कटोरी बादाम लिए हैं। हम इनको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। यह हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें आधी कटोरी घी डालेंगे। आप यहाँ घी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हम इसमें अपने जो हमने तीन कटोरी आटा लिया है उसे डालेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे, घुमाते हुए साइड में से हटाते हुए। इसका रंग ब्राउन होने तक हम इसे 7 से 8 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए, हमारे आटे का रंग जो है चेंज हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे किसी बर्तन में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। अब हम इसमें काजू और बादाम जो हमने पीस के रखे हुए थे वो मिक्स करेंगे और थोड़ा और ठंडा होने देंगे हम इस मिक्सर को। और अब हम इसमें, या तो आप इसमें खांड या बूरा या फिर पिसी हुई चीनी ऐड करें। यहाँ पर मैं एक कटोरी पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी। यहाँ देखिए, हमारा जो है आटा भी थोड़ा सख्त हो गया है। और अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसके या तो आप लड्डू बनाएं या हम यहाँ पर आटे के पेड़े बना रहे हैं और ऊपर से पिस्ते से गार्निश किया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।